Good morning, students. Welcome once again in Eklavya International Online Classes. In the previous lecture, we have done about the motion chapter, introduction of the motion, and also discussed about the straight line motion. पिछले लेक्चर में मोशन की जो डेफिनेशन अपन ने दी थी वो क्या थी? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि वो मोशन में है, ठीक है। मोशन की जब अपन बात करते हैं तो दो तरीके के मोशन आते हैं, सिंपल मोशन और कॉम्प्लेक्स मोशन। सिंपल मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन इज़ द एग्जांपल, और कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे देखे थे अपन ने, वाइब्रेटरी और सर्कुलेटरी, तो वो मोशन अपन बाद में कंसिडर करेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन की जो बात अपन ने की थी तब अपन ने देखा था कि दो चीज़ें उसमें अपन कंसीडर करते हैं, एक तो टोटल ट्रैवल्ड टाइम, टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग अपन ने तीन कंडीशंस ली थी पिछले वीडियो लेक्चर में। फर्स्ट कंडीशन में अपन ने लिया था कि टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से डिफर भी हो सकती है, और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सेम भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। और थर्ड जो कंडीशन थी उसमें ये था कि टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होती, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट को अपन ने डिफाइन किया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, यानी इनिशियल पोजिशन यानी जहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है वो उसकी इनिशियल पोजिशन है। तो उस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको थ्री क्वेश्चंस दिए थे फ्रॉम द पेज नंबर 100 ऑफ द एनसीईआरटी बुक, बट कई बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि मैम हमने अभी तक बुक ही परचेज नहीं करी है, तो प्लीज़ परचेज द बुक, क्योंकि बेटा पहले अपन मॉडर्न एबीसी फॉलो कर रहे थे तब भी आपके यही प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास बुक नहीं है, अब एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो भी आपकी यही प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पास बुक नहीं है, तो प्लीज़ परचेज द बुक। विदाउट बुक आप कैसे स्टडी करेंगे? वीडियो ठीक है बट क्वेश्चंस जो दिए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही आपको फॉलो करने हैं। इस टाइम मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस, थ्री क्वेश्चंस जो अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में दिए थे आपको, वो मैं आज बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूँगी, बट फ्रॉम दी नेक्स्ट टाइम प्लीज़ बुक परचेज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एट द पेज नंबर 100, उसमें है एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट मूव करता है डिस्टेंस के थ्रू, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या पूछ रहा है कि क्या उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? इफ़ यस देन एक्सप्लेन द कंडीशन। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कैसे लिखेंगे? यस, क्योंकि क्या पूछा है उसने, यस और नो पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या ज़ीरो हो सकता है, और होगा तो कैसे होगा, तो आप क्या लिखेंगे? यस displacement may be zero, क्या हो सकता है? ज़ीरो हो सकता है। कैसे बताएंगे? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ज़ीरो पोजिशन से ट्रेवल कर रहा है जो कि उसकी इनिशियल पोजिशन है, वो ए पोजिशन तक जाता है और जो कि मान लीजिए कि 25 किलोमीटर पर है, और फिर बैक वो क्या आ जाता है? वापस से इनिशियल पोजीशन पर ही आ जाता है। तो उस कंडीशन की ड्यूरिंग आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है? सेम है, इसलिए क्या कहेंगे कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ आंसर नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल है। सेकेंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है उसमें है कि एक फार्मर है जो कि मूव करता है अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइज 10 मीटर्स। एक फील्ड है उसके पास
फार्मर के पास जिसकी बाउंड्री की साइड कैसा है, उसका फील्ड स्क्वायर में है और उसकी बाउंड्री की साइड क्या है, 10 मीटर है, और वो जब इस बाउंड्री के अराउंड क्या करता है, मूव करता है, तो उसको वन पूरी बाउंड्री कवर करने के लिए तो क्या कह सकते हैं कि वन रोटेशन अराउंड द बाउंड्री कितना टाइम लेता है, वो 40 सेकेंड्स। ठीक है, एक पूरा क्या कह सकते हैं कि वो जब पूरा एक राउंड काट लेता है बाउंड्री के सहारे सहारे, तो उसको कितना टाइम लगता है, 40 सेकेंड्स लगते हैं उस पूरे टाइम, उस पूरी बाउंड्री को कवर करने के लिए। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स आफ्टर दी, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट तब निकलेगा जब उसकी फाइनल पोजीशन निकलेगी, कि वो फाइनल पोजीशन कहाँ पहुँचा। अब आपको पता है कि इसकी 10 मीटर वन साइड है, तो टोटल बाउंड्री कितनी हो गई, 40 मीटर। तो 40 मीटर को वो कितने टाइम में कवर कर रहा है, 40 सेकेंड्स में कवर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, टोटल टाइम जो दे रखा है उसने मिनट और सेकंड में दे रखा है, तो सबसे पहले आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन एक में ही आ जाए। ये आपका स्क्वायर फील्ड है, इसकी 10 मीटर साइड है, वन राउंड टेक्स टाइम 40 सेकेंड्स, अराउंड दी बाउंड्री। ठीक है, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 × 60 + 20 और ऐड हो जाएंगे, तो 120 + 20 टोटल सेकेंड्स आ गए आपके 140 सेकेंड्स। यानी 40 सेकेंड्स में एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, पूरी बाउंड्री का एक रोटेशन वो कर लेता है, और उस पूरे रोटेशन के कर लेने के बाद और फिर वो मतलब मूव करता रहता है। तो बताइए कि 140 सेकेंड्स के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, और पोजीशन के साथ उसने क्या पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस वो जो कवर करता है 40 मीटर है, कितने टाइम में कवर करता है, 40 सेकेंड्स में, आफ्टर दी 140 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पूछा है उसने, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 140 सेकेंड्स के बाद वो होगा कहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 40 सेकेंड्स के अंदर कवर करता है 40 मीटर, 140 सेकेंड्स में कितना करेगा, तो टोटल डिस्टेंस आपको कवर करती हुई मिल जाएगी ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट फार्मर कवर्स 40 मीटर इन 40
farmer moves in 40 seconds up to 40 meter. ठीक है, आफ्टर 140 seconds कितनी मीटर दूरी तय करेगा, तो 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 140, तो ये तो सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, ये क्या है, मीटर है. सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, 40 से 40 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, 140 मीटर. यानी उसने कितनी टोटल डिस्टेंस कवर कर ली है, 140 मीटर डिस्टेंस टोटल कवर कर ली है. अब आपको पता है कि टोटल बाउंड्री कितनी है, 40 मीटर, और उसने कवर कितना किया, 140 मीटर. तो 140 मीटर को डिवाइड कर दीजिए 40 से, तो उसने कितने रोटेशन काटे हैं वो सारा का सारा आ जाएगा. तो यहाँ पर पोजीशन निकालेंगे, पोजीशन विल बी 140 डिवाइडेड बाय 40, कितना आ जाएगा, कैंसिल करो, 3 टाइम्स क्या, फिर 2 तो 5, यानी कितने रोटेशन कर चुका वो, 3.5, यानी 3 तो पूरे रोटेशन कर लिए उसने, बाउंड्री के 3 चक्कर पूरे काट लिए, और अभी भी वो कहाँ है, हाफ वे पे है. यानी अगर उसकी इनिशियल पोजीशन अपन यहाँ मानते हैं तो वो 3 टाइम्स तो कवर कर चुका है यहाँ तक, और अब वो हाफ वे पे है, यानी यहाँ पर पहुँच चुका है, हाफ वे यही होगा. ठीक है, यानी 20 मीटर और उसने कवर कर लिए हैं. रीजन देखिए, 120, 40, 40, 40, 3 टाइम्स करेगा तो कितना कवर कर लिया, 120 मीटर कवर कर लिया उसने. उसके बाद भी वो 20 मीटर और चल चुका, तो 10 साइड ये चला होगा और 10 साइड ये चला होगा, तो 10 मीटर और 10 मीटर चल के वो कहाँ पहुँच गया, इस कॉर्नर पे पहुँच गया. अब आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट किसकी हेल्प से निकाल सकते हो आप, पहले तो पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, सीधा, ये है इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है तो देखिए, इसको मैं बड़ा करके आपको बताती हूँ. यहाँ से वो शुरू हुआ, 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, देन हाफ रोटेशन, यानी 3.5 सर्कल उसने कवर कर लिए. ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है साइड, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट ये हो गया उसका. ठीक है, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आपको निकाल के बताना है, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है. तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, और लेबलिंग कर लेते हैं अपन इसको, ए बी सी एंड डी. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल, ए बी कितनी है, 10 मीटर, उसका स्क्वायर कर लीजिए. बी सी भी कितनी है, 10 मीटर, उसका स्क्वायर कर लीजिए. ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 100 प्लस 100, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 200. अब ए सी अगर निकालना है तो इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो रूट 200 आ गया. तो ए सी इज इक्वल्स टू, आप इसको कैसे लिख सकते हैं सिंपल वे में, 2 × 10 100, क्योंकि 2 × 100 क्या होगा, 200 ही होगा. ए सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो 100 का रूट कितना होता है, 10, और रूट में कितना रह गया, मीटर. ये उसका डिस्प्लेसमेंट निकल गया. ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन इस तरीके से होगा, इस तरीके से आपको उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे,
टोटल सर्कल्स कितने उसने रोटेट किया, कौन सी पोजीशन पे अभी वो है। जब आप ये निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब वो 40 सेकंड्स में पूरा एक रोटेशन कर लेता है, मींस वो 40 सेकंड्स में कितना मीटर कवर कर रहा है, 40 मीटर कवर कर रहा है। और आफ्टर दी 140 सेकंड्स वो कितना कवर कर चुका होगा, 140 मीटर ही कवर कर चुका होगा। तो 140 मीटर को जब आप 40 मीटर से डिवाइड करेंगे तो कितने रोटेशन आएंगे, 3.5 रोटेशन उसके फील्ड के अराउंड उसने कर लिए हैं। 3.5 का मतलब क्या है कि तीन तो पूरे हो चुके हैं रोटेशन, और 0.5 का मतलब क्या है कि अभी वो हाफ वे है। हाफ वे मीन्स अगर उसको 40 मीटर कवर करना है तो उसने अभी तक कितने मीटर कवर कर लिया है, 20 मीटर कवर कर लिया है। तो जब ये 20 मीटर कवर कर लेता है तो आपका टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, ऑब्लिक्यूली आएगा। ऑब्लिक्यूली जो ये आएगी लाइन, उसको निकालने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। जब एसी स्क्वायर निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो वो आएगा ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। जब ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को आप कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट एज अ 10√2 मीटर। यानी उसका इनिशियल टू फाइनल पोजिशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 10√2 मीटर उसने अभी तक डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल तक एज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर ली है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी चीज़ यहाँ पे ट्रू है, यानी आपको ट्रू फॉल्स बताना है स्टेटमेंट्स को। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। पहला स्टेटमेंट आपका है इट कांट बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि अगर कोई भी ट्रैवल करने वाला या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाकर फिर से फाइनल पोजीशन वही ले लेता है जो कि उसकी इनिशियल पोजीशन थी, तो अपन उसके डिस्प्लेसमेंट को कितना मानते हैं, ज़ीरो मानते हैं। तो कांट बी ज़ीरो क्या ट्रू है, नहीं, फॉल्स है, क्योंकि क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। सेकेंड देखिए, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है और उसके डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को उसके टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस से कंपेयर किया जाए तो वो क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है। क्या ग्रेटर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस के इक्वल तो वो हो सकता है लेकिन ज़्यादा कभी नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उतनी तो होगी ही जितनी उसने ट्रैवल की है, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, फॉल्स, क्योंकि टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है मैग्नीट्यूड यानी डिस्प्लेसमेंट, और कम भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, बट ग्रेटर कभी भी नहीं होगा। ये आपके तीन क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में इंस्ट्रक्ट किए थे कि आपको करने हैं फ्रॉम द पेज नंबर 100। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई थी कि एनसीईआरटी बुक नहीं है, तो मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, आगे से ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो प्लीज़ परचेज योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे पर लेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म मोशन होता है इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस, यानी टाइम इंटरवल के साथ अगर इक्वल डिस्टेंस चल रही है तो आप किस तरह से इसको लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल
interval of time. Then such type of motion is called uniform motion. कैसा motion कहलाएगा? Uniform motion कहलाएगा. Example, कोई object है 4 second में 5 meter चलता है in 4 second. फिर second के अंदर भी 5 meter ही चला, तो देखिए टाइम इंटरवल 1 का ही इंक्रीज हुआ. फिर थर्ड सेकंड के अंदर भी वो क्या हुआ, 5 मीटर ही चला. तो टाइम इंटरवल भी इक्वल चल रहा है और डिस्टेंस भी इक्वल चल रही है. तो सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन कौन करता है? एग्जांपल अगर देखें तो अर्थ अपनी एक्सेस पर 24 आवर्स के अंदर एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, तो वो क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन है. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपको क्या करना है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा. जैसे एक टेबल अपन कंसीडर करें, इसके अंदर अपन ले रहे हैं टाइम इंटरवल, जैसे ये है टाइम, ये यूनिफॉर्म को इंटीमेट कर रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म को. 9 o'clock, फिर 9:15 पे, फिर 9:30 पे, फिर 9:45 पे, फिर 10 o'clock पे. 15:15 का डिफरेंस आ रहा है, ये आया 5, 10, 15, 20, 25, तो ये भी इक्वल है, तो ये यूनिफॉर्म हो गया. अगर ये मान लीजिए कुछ इस तरह से चलता है 5, 12, 18, 22, 30, तो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये अपन क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस, ठीक है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में. ये कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. तो ये ऐसे मोशंस क्या कहलाते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस कहलाते हैं. आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.